अनिल जी हमारे डायरेक्टर भी आए थे, कृष जी भी आए थे, बाकी टीम भी आ रही है। मुझे मौका लगा फिर फैमिली में आ गया। इससे ज़्यादा आशीर्वाद गदर टू के लिए। गदर टू वहीं से शुरू होती है जहाँ पर गदर वन जो है ख़त्म हुई थी, उसके आगे की कहानी है। 54 पे ख़त्म हुई थी, 54 से 71 तक ये स्टोरी है। आवाम के लिए मैसेज यही है कि प्यार से रहें, सबसे बड़ी बात तो ये है। मैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने आया हूँ, हम सब एक दूसरे के हम भाई हैं सारे, और भाईचारे में रहें तो मालिक अपने आप आशीर्वाद देगा। क्या कहना चाहते हैं आज फिल्म की रिलीजिंग से पहले यहाँ? सब तो पहले सत श्री अकाल। आशीर्वाद लेना आया, आशीर्वाद मिल जाए तो इससे बड़ी बात नहीं है। अनिल जी हमारे डायरेक्टर भी आए थे, कृष जी भी आए थे, बाकी टीम भी आ रही है। तो मुझे मौका लगा फिर फैमिली में आ गया। इससे ज़्यादा आशीर्वाद गदर टू के लिए। सर, गदर फिल्म पहले भी लोगों का काफी प्यार दे चुकी है, एक दौर था जब लोग कह सकते हैं कि इकट्ठे होकर फिल्म को देखते थे, इस पर गदर टू जो आई है खास, इसमें क्या मैसेज है? अगर हम भारत पाक के संबंधों की बात करें भाईचारे के साथ, उसको आप कैसे देखते हैं? मैसेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बता नहीं सकता आपको, क्योंकि अदरवाइज सब कुछ निकल जाएगा। है बहुत अच्छी चीज गदर वन, तो आपने जैसे कहा कि बहुत अच्छा अपने आप में कर चुकी है। गदर टू वहीं से शुरू होती है जहाँ पर गदर वन जो है ख़त्म हुई थी, तो उसके आगे की कहानी है। 54 पे ख़त्म हुई थी, 54 से 71 तक ये स्टोरी है। और सनी पाजी एज यूजुअल शेर हैं, और मुझे मौका मिल गया। उसमें अमरीश पुरी जी ने किया था वो रोल विलन का, इसमें विलन मैं हूँ, बट ये वो विलन नहीं है, वो जो सकीना के फादर थे वो नहीं है, ये डिफरेंट रोल है, ये पाकिस्तानी आर्मी जनरल है। तो आई थिंक कुछ अलग होगा, मज़ा आएगा। एक्सपीरियंस कैसा रहा इस सीरीज के साथ? बहुत अमेजिंग, वो तो अपने आप में मैंने बताया ना, शेर हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, सिखाते भी बताते भी हैं कि काम करो कुछ ऐसे कर लो, कुछ चेंज करो ऐसे करके देखो क्या, तो बहुत मज़ा, बहुत अच्छा। लेकिन पीछे कंट्रोवर्सी रही थी जो सीन को लेकर, आप कैसे देखते हैं वो सीन को लेकर? वो ना एक्चुअली हुआ ये है कि वो बाई चांस की बात है, वो शॉट के बाद की फोटो है, शॉट के बाद की वीडियो है, फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म में क्या होता है वो डिफरेंट तरीके से क्या होता है कि जैसे ख़त्म हुई और आज ही हाँ जी पाजी की हाल चाल, वो ऐसे आदमी गले लगा ही लेता है, हाँ जी जैसे अभी ख़त्म होगा, हाँ जी वेरी गुड जी ऑल द बेस्ट, तो वही सब था। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं आवाम से, इंडिया के आवाम से? प्यार चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, जैसे पहले दिया गदर के लिए। सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सब आशीर्वाद दें, प्यार दें, क्योंकि मज़ा एक्चुअली आने वाला है। और ये गदर स्क्वायर है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंधों पर जैसे फिल्म पहले भी गदर बनी थी, गदर जो टू अभी भी बनी हुई है, हाँ जी, और इस बार जैसे कि दोनों मुल्कों की अगर बात कर लें तो जी अमृतसर भी सर आपके साथ लगता है, हाँ जी, और कैसे देखते हैं आपके दोनों मुल्कों में कैसा मैसेज देना चाहिए और आवाम को क्या कहना चाहिए? आवाम के लिए मैसेज यही है कि प्यार से रहें, सबसे बड़ी बात तो ये है। मैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने आया हूँ, हम सब एक दूसरे के हम भाई हैं सारे, और भाईचारे में रहें तो मालिक अपने आप आशीर्वाद देगा। क्योंकि मैंने कल बड़ी अच्छी लाइन में वहाँ गया था, अटारी बॉर्डर, तो वहाँ पर भी बड़ी अच्छी लाइन फिर से मतलब सुनी हुई है 100 बार 1000 बार, लेकिन वो एक लाइन फिर से सुनी कि धर्म जो है अगर बांटता है तो वो धर्म नहीं है, इल्ज़ाम है। बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन चक्कर ये कि जो लोग हैं वो धर्म को किसी और नाम से देखते हैं। यहाँ तो सब प्यार की बात सिखाई जाती है, यहाँ तो मज़हब में बड़ी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, तो कहाँ से किसी को आप नफरत से देख सकते हैं? ठीक है, थैंक यू।